कला की दुनिया में सनत कुमार चटर्जी नया नाम नहीं है, पेश है इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं लखनऊ में 1933 में, तो वहीं पर मैं पैदा हुए थे। मैं सीना से पहले मैं नाहन पहुँचे, नाहन आर्ट कॉलेज में हम सर्विस करने लगे, तो सर्विस में गवर्नमेंट सर्विस में नाहन से सेटल होने के बाद फिर मैं वहाँ से शिमला पहुँचे। शिमला में आने के बाद वहीं पर कोसला कॉलेज में और छोटा शिमला में जो अभी डिग्री कॉलेज है, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रोफेसर थे, तो उनके साथ ही हम सब काम करने लगे। सनत चटर्जी एक कलाकार और मेरे पिता, वो अपने गुरु के आदेश पे 1960-62 में हिमाचल आए और गुरु ने कहा कि जैसे एक साधु हिमालय में तपस्या करता है और अपने आप को विकसित करता है, उसी ढंग से आप हिमालय में जाओगे और खूब काम करोगे। यही गुरु का आदेश था और वो हिमालय में शिमला में आके बस गए। मेरा नाम आरती चटर्जी है, मैं सनत चटर्जी की मिसेस हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब से मेरी शादी हुई है इनको काम करने में ही मगन देखती हूँ। हम लोग जहाँ तक घर में कोशिश करते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, अपने काम करें और इनको उत्साह देते हैं। इनका बहुत काम है हिमाचल में, और जैसे नाहन, शिमला, शिमला कालीबाड़ी और दिल्ली में भी है। और रिसेंटली जो काम किया वो मौलाना अब्दुल कलाम मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में एक म्यूजियम बनाए हैं। आप जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैंने मूर्ति बनाया है, 24 मूर्ति बनाए। और कोसला कॉलेज में भी मैंने 10 महाविद्यालय पेंटिंग मूर्ति बनाए, और उस सरस्वती की मूर्ति बनाए, पेंटिंग बनाए। मैंने तो इस तरीके से रेणुका लेक में सब मूर्ति बनाए, 13 फुट का मूर्ति है। और उसके बाद वहाँ से 8 बड़े बड़े मूर्तियाँ रेणुका लेक के चारों तरफ बनाए, जिससे रेणुका माता रेणुका जमदग्नि ऋषि का मूर्ति भी वहीं बना हुआ है। कालीबाड़ी में 10 महाविद्या का पूरा पेंटिंग बनाए, और एक एक पेंटिंग वहाँ पर आज भी रोज़ पूजा होता है। दुर्गा पूजा के टाइम पे उसमें वहाँ पर जितने मूर्ति बनते हैं सब मैंने तैयार किया, करने के बाद वहाँ पूजा होता है। अपनी अद्भुत कला शैली के कारण सनत 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। खास करके हमने अपने जीवन में एक जीवन का एक सार बनाया, इसमें जो पेंटिंग का बीच का स्थान है, इसमें दुर्गा का पेंटिंग है। और सारा इंडियन माइथोलॉजी एंड फिलोसफी के बेसिस पर मैंने बनाया था। काफ़ी बड़ा पेंटिंग है ये, सारे 11 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर हुआ कलकत्ता में, और ये खास कलर है, ये कलर कहीं मिलता नहीं, ये किसने बनाया हुआ है। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी वजह से हुआ, इसको मेरा पेंटिंग बनाने में महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीना 18 दिन लगा था। जीवन भर की कलाकृतियों को इन्होंने एक अनूठे संग्रह के रूप में अपने घर में सजो कर रखा है, जिससे इनका घर अपने आप में एक मिनी संग्रहालय बन जाता है। तो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, इनको आगे प्रेरणा देना, और बच्चे भी उसी तरह है, सारे देखभाल करना, सब कुछ कर। लेकिन मेरा दाहिना हाथ पैरालिटिक हो गया, जिसके कारण मुझे अब दाएं हाथ से न करके बाएं हाथ से काम करते डेवलप हुआ। लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, और जब तक वो एक ड्राइंग दिन का नहीं करते तब तक वो खाना नहीं खाते हैं। तो ये उनके अभी भी हम उनके जीवन में एक लगन देख सकते हैं। शरीर भले ही कमजोर हो गया हो, कल्पनाएं आज भी कैनवस पर उतरने को बेताब रहती है।